पंजाब में नहीं हो सकता वीआईपी कल्चर। मानवीय अधिकार कमीशन ने तेजी के साथ किया बकाया मामलों का निपटारा। ये कहना है मानवीय अधिकार कमीशन की सदस्य अवनीश कौर का। आज अवनीश कौर सिविल अस्पताल श्री मुख्तार साहिब पर दौरा करने पहुंची, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों का हाल जाना, वहीं इलाज करवाने आए मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए बैठने का इंतजाम बढ़ाया जाए, साथ ही मरीजों को सभी दवाइयां मुफ्त में दी जाए, इसके लिए प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए। अवनीश कौर ने बताया, वक्त वक्त पर कमीशन हॉस्पिटल के दौरे करती है और लोगों के दुख सुनती है। इस मौके पर अवनीश कौर ने बताया, कमीशन अपना काम जोरों से कर रहा है, हजारों केसों को निपटाया जा चुका है, अब करीब 7000 मामले हैं जिनका निपटारा बाकी है। आइए सुनते हैं। लोगों जी ये सर्विस हैगी है साढ़े को, भी रेगुलर चल रही है कि नहीं चल रही है? समटाइम कई बार होंगे कि डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होंगे या कोई मेडिसन्स नहीं मिलती जो प्रॉब्लम्स आ, क्योंकि अगर फिजिकली आके चैक करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उत्थे बैठे असी जो मर्जी करी जाइए, पर जो आके असी देखते हैं वो तो पता लगता है भी ये जरा है सिस्टम में चल रहा है, इफेक्टिव है और अदरवाइज नहीं है। नहीं अदरवाइज मेरे को कंप्लेन्स एवें पहुँचदिया भी ने कि मतलब कि फलां हॉस्पिटल के इन्ना वो नहीं है इन्ना वो नहीं है, पर मैं जिमें रैगूलर रख्या होया अपना पंजाब दे विच कि मैं हॉस्पिटल जेल स्कूल्स दे विच रैगूलर मैं चैक कर जाती हाँ। जो तक मैं ज्वाइन किया उदों तक मैं हूँ तक काफ़ी हॉस्पिटल्स पंजाब के जड़े ने वो मैं चैक कर चुकी ने, जेल्स जड़िया ने मैं देख चुकी हूँ। ये थी मुख्तार साहिब से तस्लिम दूडे की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज़ चैनल voiceofindia.net।